काफ़ी सारे लोगों ने बार बार कमेंट किया कि सर कस्टमर के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, किस टॉपिक पे बात करने से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे। यह बहुत ही अहम मुद्दा है आप सबके लिए। देखिए मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर करने जा रहा हूँ, आप अगर सुनना चाहते हैं तो अच्छी तरह से इस बात को ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी सारे लोग जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, झट से प्रोडक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ये सोचते हैं आ गया है अभी तो पैसा जाने वाला, इसलिए आप जब बोलते हैं उसके बाद भी नहीं खरीदते। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है, आप जब जाते हैं तो सेलिंग थॉट्स को लेकर मत जाइए कि हमें बेचना है, हमें बेचना है, मुझे बेचना है, मुझे बेचना है। नो, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स का जो इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ से जाना चाहिए वो कम हो जाता है। कब जाके वो खरीदेगा, कब जाके वो खरीदेगा, कब जाके वो खरीदेगा, ये दिमाग में रहता है। जब आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाते हैं कि ये होता है, वो होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दीजिए। जब आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से देने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट्स क्या करता है। मैं क्या करता हूँ, काफ़ी टाइम मैं किसी घर में जाता हूँ जहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं जाता हूँ, यूँ ही जाता हूँ और दूसरे किसी पर्सन का फीडबैक प्रोडक्ट को लेके वो सब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। उसने इस प्रोडक्ट को लेके ऐसा फीडबैक दिया, ऐसा एक पेशेंट था, ऐसा एक आदमी था जिसको ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें थी, मैंने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस प्रोडक्ट्स को देके बहुत ही बढ़िया था। ऐसा मैं कहानियाँ बोलता हूँ, सच में बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसा मैं कुछ घरों में मैंने किया, कुछ महीने तक मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ, अचानक फ़ोन आने लग गए मुझे कि हमें भी एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग के रिलेटिव या फिर हम लोग के फैमिली मेम्बर्स या फिर मुझे खुद ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के आते हैं। तो मैंने अपने लाइफ से ये एक्सपीरियंस लिया है कि अगर आप जाते हैं सेलिंग मूड में तो नाक बोल देते हैं, नहीं हमें नहीं खरीदना है। जब आप इन्फॉर्मेशन देने के मूड में जाएंगे तो क्या होगा, वो लोग सुनेंगे और ज़्यादा। सेलिंग मूड में जाएंगे तो कम सुनेंगे, आप पर कंसंट्रेशन उन लोगों का कम होगा। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन देने के मूड में जाएंगे, आपने बात किया, बीच में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, आपने दे दिया, वो लोग सुने हैं उस बात को, तो उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा। अगर ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम उन लोगों के घर में आया तो आपको वो याद करेंगे और प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट को सेलिंग मूड में नहीं जाइए, हमेशा इन्फॉर्मेशन देने की मूड में जाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, हाँ पहले पहले हो सकता है नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपसे ज़रूर 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 लेंगे। दूसरी बात, कस्टमर के पास आप जब जाएंगे तो कस्टमर की बातों को थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। हमेशा आप अपनी बातें हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लोग हमेशा कुछ ना अपना खुद का कुछ वो बताने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को अच्छा फील होता है। आपको उन लोगों को कुछ अच्छा फील करवाना है, इसके जरिए कुछ सुनने की मैंटेलिटी रखिए। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुनने की मैंटेलिटी आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप लिसन नहीं करते हैं तो आप नहीं बेच पाएंगे। कुछ सुनने की क्षमता आपने अंदर रखे, उसको डेवलप करें, थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ऑपोजिशन वाला है और भी ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करेगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में वो आपसे सामान वगैरह ले, अभी क्यों बोलता है वो, इसलिए बोलता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है आपको बोलने पर। आपको जब वो बोलता है कुछ अपने बारे में, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ अपने लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उसको अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है अपने बारे में बोलना। तो उसको थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए, उसको सुनने के लिए थोड़ा सा बैठिए, उसके बाद अपना जो है वो कुछ रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा जो दो तीन टिप आप अप्लाई कीजिए, देखिएगा आपकी जो सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिए आप कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हैं। आप जो टेक्निक अप्लाई करते हैं वो आज लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा। अगर आपके टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, अमीर बनते रहें और दुआ में मुझे भी याद करते रहें। अगर नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।